मैं आज फिर कह रहा हूं, एक मैसेज जाता है आपकी जिंदगी में कि जिंदगी में आपकी बर्निंग डिजायर जब होती है तो प्रकृति के नियम भी फेल हो जाते हैं। एक घोड़ों की रेस थी, अलग अलग पंचायतों से घोड़े बुलवाए गए, एक पंचायत में घोड़ा नहीं था। तो पंचायत ने कहा, भाई साहब अपने गांव की इज्जत का सवाल है। उन्होंने बोला क्या किया जाए कि घोड़ा नहीं है, गधे को तैयार करो। अब उन्होंने पूरे गांव ने ढूंढा, गधों में हड़कंप मच गया और हम मरवा दिया रहे, घोड़ों में भेजेंगे। गधों में हड़कंप मच गया, गधों में हड़कंप मच गया, लेकिन फिर भी जो हृष्ट पुष्ट था ना गधा, थोड़ा सा घोड़े जैसा लगने वाला, उसको लिया, उसको लेके कि भाई तू कर सकता है। वो कहता मरवाओगे रो, मत भेजो मत भेजो, नहीं नहीं तू कर सकता है, तू कर सकता है। उसको पूरे दो दिन का आरटीपी दे के बोला तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर। अब इतने पंप भरते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। गधे ने बोला मैं जाएगा गांव की इज्जत के लिए, मैं जाएगा रेस में जाएगा, पंचायत की इज्जत के लिए पूरा लुट जाएगा, लेकिन मैं जाएगा। ओके, सरपंच तैयार, सारी टीम तैयार, और गधे को लाके खड़ा कर दिया रेसिंग की लाइन पे, और गधा बिल्कुल रेडी। लेफ्ट में देखा घोड़े और बारह मर गए रे, राइट में मर गए रे बारह, कांपने लग गए पांव। अब गधा वहां तो ठीक था, लेकिन घोड़ों में पहुंचने के बाद तो फर्क पड़ता है ना, कांप रहा है, टांगे कांप रही है, और विसिल बजने वाली है। और विसिल बजने के 5 सेकंड पहले वो हुआ जिसने प्रकृति के नियम ही बदल दिए। विसिल बजने के 5 सेकंड पहले गांव के सरपंच ने गधे की पूंछ उठा के आधा किलो मिर्ची डाल दी, आधा किलो मिर्ची डाल दी। और आप कह रहे हो कि रेस का रिजल्ट क्या हुआ? अरे रिजल्ट 6 महीने तक गधा रुका ही नहीं। 5-6 रेस और हो गई 6 महीने में, वो रुका ही नहीं। क्यों? जिसके आग लग रही होती है ना आग, वो नहीं रुक सकता। एक गधा भी घोड़ों को हरा सकता है जब डिजायर अपनी तड़प पे होती है। इस कहानी का मैसेज ये है, अगर जिंदगी में आप भी कुछ कर गुजरना चाहते हो, अपनी डिजायर को थोड़ा होले होले अब थोड़ा सा आंच देना चालू करो।